खुदाया अशरफ, आप यहाँ बैठे हैं, हमसे चाय मांग के भूल गए। हमने आपको टेरेस में ढूंढा, लॉन में ढूंढा, कमरे में लाउंज में देख के आए, पर आप यहाँ बैठे। फयाद से भाई, फयाद से। शगुफ्ता, मैं बहुत सख्त परेशान हूँ। किस बात की परेशानी है भाई? अपनी माँ की और किस बात की। शगुफ्ता, तुमने इसमें चाय नहीं डाली? ओ देखा, हम भूल गए, सटपटा जाते हैं हम बिल्कुल। ले आए और? नहीं अब रहने दो, मुझे बड़ी सख्त टेंशन हो रही है। अशरफ, आप क्यों परेशान होते हैं? वो बहुत मजबूत हड्डी हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं ठीक होंगी वो, इस दफा मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं होंगी। अगर मेरी माँ का कुछ हो गया तो मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, और आप यहाँ बैठे रो रहे हैं, डॉक्टर से तो बात करें। मुझसे बात करो, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो तुम उनकी खिदमत करोगी, उनके पैर भी दबाओगी। आप के सर पे चढ़ गई है परेशानी। चलिए चलिए सोइए, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उठिए उठिए, चले चले आइए। जिस जवान लड़के की माँ बीमार हो उसे नींद कहाँ आती है। माँ की खिदमत में जो राहत है वो और कहीं भी नहीं है। ओह माफ करना माँ जी, आपके पैर मेरी रेंज से बहुत दूर था, तुम तो पैर पीछे करो। माँ जी, माँ जी। बोल, मैं सुन रही हूँ। माँ जी, आपने सुबह से एक दफा भी फिटे मुंह नहीं कहा, मेरे कान बेकरार हो रहे हैं फिटे मुंह सुनने को। फिटे मुंह तेरा? लोगों लोगों सुना तुमने? लोगों सुना, माँ जी ने फिटे मुंह कहा? फिटे मुंह कहा माँ जी? जी सुन लिया है हमने। माँ जी आप प्लीज बताती क्यों नहीं है, आपको क्या हो गया है? तू डॉक्टर है, डॉक्टर आएगा तो मैं उसे बताऊंगी सब। लगते डॉक्टर साहब आ गए। और तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो? डॉक्टर साहब ने बैल बजा के हमारी बिजली का बिल बढ़ा दिया। जा लेके हमको। अस्सलाम वालेकुम। भाई दरवाजा खुला तो मैं खुद ही अंदर आ गया। आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब आपको देखकर आधी बीमारी भाग गई है मेरी। और फीस का सुन के ना इंशाल्लाह बाकी की आधी भी भाग जाएगी। वैसे दुर्दाना आप बहुत लकी हैं। भाई जिसका इतना गबरू जवान खूबसूरत नहीं बेटा हो वह लकी ही होती है ना। भाई माशाल्लाह बड़े सादतमंद बच्चे हैं आपके, और दामाद तो हीरा है हीरा। बस दिमाग में जॉब ना करने का कीड़ा है कीड़ा। दामाद है भाई, अगर दो चार बोतल खून की जरूरत पड़ी तो दोगे अपनी सासू माँ को? माँ जी के लिए तो मैं अपने जिस्म के खून का एक एक कतरन के पैरों पे निछावर कर दूंगा। शाबाश अज़फर। माशाल्लाह भाई बहू भी बड़ी प्यारी है। सुन लिया आपने, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत प्यारी कहा है। डॉक्टर साहब मैं आपको इस बदतमीजी की इजाजत नहीं दूंगा, इसको प्यारी कहने का ना लाइसेंस सिर्फ मेरे पास है। डॉक्टर साहब मैंने आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। अरे भाई आप लोगों ने उनको घेर के क्यों रखा हुआ है? चले चले बाहर निकले, मुझे जरा प्राइवेट बात करनी है। चले भी चले, तखलिया तखलिया। माँ जी को ताजा हवा लगने दो, आ जाओ आ जाओ जल्दी। माँ जी को आखिर ऐसा क्या है जो हमारे सामने नहीं बता सकती? अरे यही बात तो हमारे दिमाग में भी गर्दिश कर रही है, लेकिन पूछने की हिम्मत ही ना हुई हमारी। अरे भाई अगर लॉयर होता तो समझ जाते कि जायदाद लिखवाने के लिए बुला है। कम ऑन, हो सकता है माँ जी अपनी बीमारी के बारे में बताना ही ना चाह रही हूँ। क्यों? परेशानी से बचाने के लिए और किस लिए? अरे आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे तो उसे पूछ लेंगे। बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाह रहा था। अरे रहने दीजिए, आप तो मलका जज्बात बने बैठे थे। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना? मैं क्या पूछूं? शुगर का पूछ, शुगर का। डॉक्टर साहब माँ जी की शुगर सेट है। डॉक्टर साहब आप बताते क्यों नहीं? किस मुंह से बताऊं? डॉक्टर साहब जैसा है ये इसी मुंह से बता दें हमें। अब जो मैं बताने लगा हूँ दिल थाम के सुनिएगा। दुर्दाना अप्पा की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। डॉक्टर साहब आप दो चार नंबर देके पास करा देते। अब ये केस मेरे हाथों में नहीं रहा। अरे तो फिर किसके हाथों में है? आप लोगों के हाथों में। क्या मतलब डॉक्टर साहब? जल्द से जल्द दुर्दाना अप्पा की एक किडनी ट्रांसप्लांट करना होगी। किडनी का प्लांट से क्या काम डॉक्टर साहब? आप चारों में से किसी एक को किडनी डोनेट करना होगी, समझे? नहीं मैं समझाता हूँ। थैंक यू। वैसे मैंने अब तक दुर्दाना अप्पा को कुछ बताया नहीं है। ये आपने बड़ा अच्छा किया। मैंने कंपाउंडर को फोन करके बुला लिया है। किस लिए? आप लोगों के खून का नमूना चाहिए। क्यों? एहतियातन। मुझे लगता है वो आ गया। वो कौन? खून खींचने वाला। आप लोग अपना अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए, मुझे इजाजत दीजिए मैं चलता हूँ। बंदर की डुगडुगी है, अपनी जो जिंदगी है। बंदर की डुगडुगी है, अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर।
से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर के डुगडुगी है, अपनी जो जिंदगी है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है। हम में से जो भी किडनी डोनेट करेगा या करेगी, करेगी से तुम्हारा इशारा नौशीन और शगुफ्ता की तरफ है, उसको सबसे पहले बेहोश किया जाएगा, फिर उसके जिस्म पे एक 6 इंच का चीरा लगाया जाएगा। अरे यहाँ तो दिल होता है, किडनी नीचे होती है। कहाँ? ओ मेरी ना जरा बॉडी की ना सेटिंग कुछ आउट है। बॉडी की नहीं, आपकी ऊपर की सेटिंग आउट है। दिमाग की? यार वो आगे बताओ ना। फिर डॉक्टर जिस्म में किडनी लगाएगा, यही अमल माजी के साथ भी होगा, उनकी फेल किडनी की जगह पास किडनी लगा दी जाएगी। असफर ये तो बहुत ही खतरनाक अमल है। सिर्फ खतरनाक तो खतरनाक के साथ साथ रिस्की भी है। हैं? विस्की? ओहो भाईजान, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? विस्की नहीं, रिस्की। जी हाँ, एक बात और, जिसको किडनी लगाई जाएगी वो और जो किडनी डोनेट करेगा वो, दोनों की जान को बहुत खतरा होता है। माय गॉड, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन है भाई। अरे मैं तो कहता हूँ जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। इसका मतलब है असफर ना माँ जी को किडनी डोनेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस उम्र में माँ जी ऑपरेशन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अल्लाह तुझे खुश रखे असफर, मैं भी यही बात करने वाला था। लेकिन भाई जान, इस तरह से हम लोग माँ जी को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। अरे इसका मतलब है बेबी माँ जी को किडनी डोनेट करने को तैयार है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और वैसे भी मुझे तो पिछले साल टाइफाइड हुआ था ना, तो भाई फिर कौन डोनेट करेगा या करेगी? मेरा ख्याल है आप करेंगे, इसलिए कि सबसे ज्यादा माँ जी से मोहब्बत तो आप ही करते हैं। मैं नहीं दे सकता किडनी। क्यों अशरफ, क्यों नहीं डोनेट कर सकते? आपको तो पिछले साल टाइफाइड भी नहीं हुआ। पिछले साल मुझे वो डेंगू तो हुआ था ना। अरे कोई डेंगू वेंगू नहीं हुआ था, वहम था आपका सारा। कल ना शेव करते हुए ना मेरे यहाँ ऐसे कट लग गया था, मुझ में खून की कमी हो गई, मैं किडनी नहीं दे सकता। शगुफ्ता बेगम तुम किडनी दे दो। अरे हम कैसे दे दें किडनी, वो हमें तो शादी से पहले वो हुई थी, वो क्या होती है, टीबी। तुम्हें टीबी थी? तुमने इतने साल मुझे नहीं बताया। या अल्लाह, कोई मुझे ना हो जाए। पुरानी बातों को गोली मारे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि असफर किडनी देगा? नहीं भाई, मैं किडनी विडनी नहीं दे सकता। क्यों, क्यों नहीं दे सकते? भाई वो मैं बचपन में फुटबॉल खेल रहा था तो मेरी किडनी में चोट लग गई थी। है? अरे हमें क्यों नहीं याद आ रहा, कब चोट लगी थी? बाजी मैंने किसी को बताया नहीं था, आज बता रहा हूँ। अरे भाईजान आइडिया। अरे वाह, मेरी छोटी बहन के दिमाग आइडिया भी आते हैं। भाईजान हम लोग कुरान दाजी कर लेते हैं। कुरान दाजी? बिल्कुल ठीक है। भई ये तो अभी मैंने सुबह ही शेव की थी है। भाईजान इन पर्चियों पे हम लोग किडनी डोनेट करने वाले का नाम लिखेंगे। फिर? फिर हम इन पर्चियों को फोल्ड करके टेबल पे रखेंगे। फिर? फिर भाईजान वोटिंग कर लेंगे, देखेंगे किडनी किसने डोनेट करनी है, उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। बेबी मैं समझ गया हूँ। शुक्र खुदा का कि ये भी समझ गए। अच्छा चले ना, आप लोग शुरू करें। उधर देखो। वोटिंग हो गई है, अब हम लोग एक एक करके पर्ची खोलेंगे, जिसका नाम सबसे ज्यादा होगा वही किडनी डोनेट करेगा। माँ जी। हैं? यहाँ भी माँ जी? माँ जी, माँ जी। इसका मतलब यह हुआ कि माँ जी अपनी ही किडनी अपने आप को डोनेट करेंगी। आई थिंक हम लोगों को कुछ और सोचना चाहिए। अरे नहीं भाई, मेरा ख्याल है सब्जेक्ट को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए, किसी को किडनी डोनेट नहीं करनी। शाबाश अस्पर। वेरी गुड। चले। हाँ माँ जी, वे तो सारे चले गए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बोल क्या बात है बाजी, मामला बहुत नाजुक है। हैं? लोहा गरम है। मामला नाजुक है, लोहा गरम है, ये कोई खुफिया कोड है क्या? अरे बाजी मैं माजी के हवाले से बात कर रहा हूँ। माजी के हवाले से? लेकिन लोहा गरम और नाजुक मामला से माजी की तबीयत का क्या ताल्लुक? अरे बाजी है, माजी की जिंदगी उंगलियों पे गिनी जा सकती है। वैसे असफर तू बहुत ही घटिया सोच रखता है। बाजी अब जज्बाती हो रही है, मौत तो एक अटल हकीकत है। तो आप मुझे ये पता माजी के पास क्या क्या है? अरे माजी के पास सब कुछ है, सिर्फ किडनी फेल हो गई है। अरे बाजी मैं सामान जायदाद प्लॉट वगैरह की बात कर रहा हूँ। माजी की तबीयत खराब है और तू इतनी बेहुदा गुफ्तगु कर रहा है। बाजी इस वक्त ये बेहुदा गुफ्तगु इंतहाई जरूरी है। क्या मतलब है तेरा? देखिए बाजी, इससे पहले कि माजी की दौलत से दूसरे फायदा उठाए, पहला हक हमारा है। तो आप माजी की एक ही कीमती चीज पे नजर रखें और मैं। अच्छा
हम माँ जी की कीमती चीजों पे नजर रखेंगे, तो तू क्या करेगा? मैं नौशीन और भाईजान को वसीयत के लिए कन्विंस करता हूँ। अच्छा, अब तेरी बातें कुछ कुछ हमारी समझ में आने लगी है। भाईजान कहाँ है? अशरफ, वो तो पता नहीं काफी देर से नजर ही नहीं आया। और माँ जी? अरे माँ जी तो अपने कमरे में है तन्हा, इसलिए कि कोई उनके करीब ही नहीं जाना चाह रहा, हम भी नहीं, हालांकि कई दफा हमें आवाजें दे चुकी हैं। क्या? शगुफ्ता, 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 शगुफ्ता। अब तो हमारे कान ही बजने लगे हैं। आपके कान नहीं बज रहे, वो वाकई में आवाज दे रही है, जाइए और जैसा मैंने कहा वैसा कीजिएगा, जाइए। आए माँ जी। किधर चले गए हो तुम सब लोग? जी माँ जी। शगुफ्ता, तुझे पता है कि इंसान एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकता है? वो माँ जी कुछ जलने की बुआ आ रही है। हाँ हाँ, हम तो चूल्हे पे हंडिया चढ़ा के आए हैं। पुत्र अस्वर, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जी जी, सुबह से यही बात मैं भाईजान और बीबी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्वर पुत्र, तूने कहा था कि तू मेरी खातिर अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा मुझ पे निछावर कर सकता है। मैंने कहा था? जी जी, वो तो मैंने जज्बात में डायलॉग बोल दिया था। बस तेरा जज्बाती डायलॉग सुन के मैंने तुझे माफ कर दिया। थैंक यू पुत्र, एक वादा कर मुझसे। क्या माँ जी? मैं तुझसे कुछ मांगूंगी, तू मना तो नहीं करेगा ना? जी माँ जी। तू खड़ा क्यों है पुत्र? माँ जी, मैं ना इसलिए खड़ा हूँ कि हो सकता है आपकी बात सुन के ना इमरजेंसी हो जाए। मेरी बात गौर से सुन, तुझे पता है? माँ जी, मुझे सब कुछ पता है, आपकी ना दोनों किडनियाँ फेल हो गई है इंग्लिश के पर्चे की तरह। हाँ, मुझे एक किडनी चाहिए। अशरफ किधर चला गया है? अरे डॉक्टर साहब, आप एक किडनी की बात करें, मेरे चारों बच्चे जो है ना, ये मुझे किडनी देने के लिए तैयार हैं। दुर्दाना अप्पा, हमें चार नहीं एक किडनी चाहिए। मैंने इन सब का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाया है, जिसका ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच करेगा हम उसकी एक किडनी आपको लगा देंगे। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अच्छा? हाँ, और मेरे चारों बच्चों का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अशरफ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट दिखा। ए नेगेटिव। हे अशोक पुत्र, तेरा ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव था, ये ए नेगेटिव कैसे हो गया? बस माँ जी, वक्त और हालात ने ना मेरा खून सफेद कर दिया। फिर मुझ तेरा। अश्वर रहमान जी सर, रिपोर्ट दिखाइए। पुत्र का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, पिछले साल इसने मुझे एक बोतल खून की दी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो आपको कभी ब्लड नहीं दिया। डॉक्टर साहब आप बताइए ना मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। ओ नेगेटिव। देखा माँ जी, मेरा ब्लड ग्रुप तो ओ नेगेटिव है। ये ओ जो है ये पंजाबी वाला है। फिर है मुझ तेरा। शगुफ्ता हाजिर डॉक्टर साहब। ए बी नेगेटिव। नौशीन जी। ओ नेगेटिव। फिर है मुझ तेरा। अस्फर के साथ साथ तेरा भी खून खराब हो गया है। माँ जी, खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग पकड़ता है। सॉरी दुर्दाना आपा, इनमें से किसी का भी ब्लड ग्रुप आपसे नहीं मिलता। ये सब बी पॉजिटिव थे, खून से वैध हुआ है तो नेगेटिव हो गए हैं सारे। मैंने अभी हॉस्पिटल फोन किया था, कोई भी ब्लड रिलेशन अपनी किडनी डोनेट कर सकता है। आपका मतलब है कि भाईजान और नौशीन किडनी डोनेट कर सकते हैं? हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कोई किडनी विडनी नहीं देनी। किडनी ना देने के चक्कर में ना मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेंज कराया था, पूरे 2000 रुपए लगे। क्या ब्लड ग्रुप तब्दील करवाया आपने? मैंने अकेले ने नहीं, हम सब ने कराया, और इस घटिया इंसान का आइडिया था ये। तो सारे ही चले गए, तो मैं यहाँ कला क्या कर रहा हूँ? कहाँ चले गए सारी? अरे भाईजान, एक किडनी देने से कुछ भी नहीं होता, सारा निजाम वैसे का वैसे ही चलता रहता है। ओए कटिया इंसान, पहले तो किडनी देने के 336 नुकसान बताए थे तुमने। अरे भाई, उस वक्त मेरी मालूमात कम थी। तो अब तुमने PhD कर ली है किडनी पर। देखिए, मैं माँ जी की जान बचाने की बात कर रहा हूँ। तुझे माँ जी की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, वो मेरी सास है, अभी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मसलन? अरे वसीयतनामा लिखाना है, जायदाद की टैक्सीमोनी वगैरह वगैरह। हाँ बच्चों, मैं सब समझ रहा हूँ। जब से तुम्हें ये पता चला ना कि किडनी सिर्फ खून के रिश्तेदार दे सकते हैं, तो मुझे ना ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट?
غالباً آپ کنوینس کی بات کر رہے ہیں. غالباً نہیں, میں نا 100% اسی کی بات کر رہا ہوں. مطلب آپ کنوینس ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں نا کسی قیمت پر بھی اپنی کڈنی نہیں دوں گا. کیوں؟ تم نے نا میرے دل میں جو خوف بٹھا دیا ہے نا, اس کے بعد میں کڈنی دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گا. ارے ماں جی کی زندگی کا سوال ہے, اگر آپ ایک کڈنی ان کو دے دیں گے پھر بھی آپ نارمل زندگی ہی گزاریں گے. میں نارمل زندگی نہیں, صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہوں. دیکھ بیبی, جس نے ایک شخص کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اچھا, اگر تیری کڈنی ڈونیٹ کرنے سے ماں جی کی جان بچتی ہے تو اس میں حرجی کیا ہے یار؟ تو آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی, ایک کڈنی ماں جی کو آپ ڈونیٹ کر دیں. ارے ہم تو بے حد تیار ہیں, لیکن قانون کہتا ہے کہ کوئی خونی رشتہ ہی کڈنی ڈونیٹ کر سکتا ہے. اگر ایسی ہی بات تھی بھابھی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے اپنا بلڈ گروپ کس خوشی میں چینج کروایا تھا؟ ارے وہ ہم سے غلطی ہوگی, ویسے بھی انسان تو خطا کا پتلا ہی ہے نا. جی نہیں, آپ اپنی بات کیجیے, آپ خطا کی پتلی ہیں, بلکہ پتلی تماشا ہے, اور اس وقت بھی آپ تماشا ہی کر رہی ہیں. ہم پتلی تماشا ہیں؟ جی ہاں, آپ اس وقت کٹ پتلی ہیں اور اسفو کی زبان بول رہی ہیں. تو اس کا مطلب تو کڈنی نہیں دے گی؟ ہاں نیور, نہیں نہیں نہیں. ہیں؟ ارے واہ بھائی, نہ جانے آج کل کی اولادوں کو کیا ہو گیا, کام کی نہ کاج کی دشمن اناج کی. ہیں؟ لیکن ہم نے یہ مثال کیوں دی؟ ارے کہیں ہم سٹیا تو نہیں رہے؟ اشرف, شگفتہ, اسفر, نوشین, کدھر مر گئے ہو تم سب کے سب؟ اچھا ہوا میری آواز پہ تم لوگ آئے تو صحیح. ماں جی مجبوری تھی, اسکرپٹ میں جو لکھا ہوا تھا. مجھے تم لوگوں سے کوئی شکایت نہیں, اگر تم لوگوں کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے معاف کر دینا. ماں جی آپ ایسی رومانٹک باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ رومانٹک نہیں بھائی جان, جذباتی. رومانس میں بھی تو جذبات ہوتے ہیں نا بیبی. ماں جی اگر آپ جائیداد کا بٹوارا کر کے جائیں گی پھر ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں. بالکل ٹھیک کہا اسفر نے ماں جی. ہاں ماں جی میرا بھی یہی خیال ہے. ہاں ماں جی, جائیداد کے بٹوارے کے بعد نا ہم سب لڑائی جھگڑے اور فساد سے بچ جائیں گے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی. ماں جی آپ کے خیالات اپنے سونے پتر سے کتنے ملتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا ہے, میں جائیداد اور پلاٹ اس کو دوں گی جو مجھے اپنی کڈنی ڈونیٹ کرے گا. کڈنی میں دوں گا؟ جی جی, میری ماں ہے, میں ان کا پیارا ہوں. تم کہاں؟ ایک منٹ ماں جی, ہم میں نے جائیداد کا نام لیا تو تم سب تیار ہو گئے اپنی کڈنی دینے کے لیے. ویسے تو صبح سے کوئی مجھے منہ نہیں لگا رہا تھا. ارے مجھے کسی کی کڈنی وڈنی کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو میں نے تم سب کا پیار دیکھنے کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ مل کے یہ سارا ڈرامہ کیا. ماں جی. ہاں جی. ماں جی میں آ گیا. تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ نہ اتنی زور سے بولا کر. ماں جی کیا زور سے بولنے پہ ٹیکس لگتے ہیں؟ اور نہیں, انرجی ضائع ہوتی ہے اور آگے ملک میں انرجی کا مسئلہ ہے. ماں جی آپ کا بیٹا اشرف بٹ نا ہمارا تن گوش ہے اور آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اب بتائیں کیا بات ہے؟ او شیطان کو اس کیب سے نکال. کون شیطان ماں جی, اظفر؟ اور نہیں, میں نواب کی بات کر رہی ہوں. ماں جی آپ ہی تو کہتی تھی کہ مہمان جو ہے نا اللہ کی رحمت ہوتا ہے, اب آپ مہمان کو شیطان کہہ رہی ہیں؟ ایک دن مہمان, دوسرے دن مہمان, تیسرے دن بلائے جان ہو جاتے ہیں. ایک ہفتے سے زیادہ ہو جائے تو پھر شیطان؟ ہاں اسے نکال, ورنہ. ورنہ کیا ماں جی, پھر آپ نکل جائیں گی؟ اب چھٹے بھوت تیرا, میں کیوں نکلوں گی, یہ میرا کار ہے. ماں جی میں اپنی بہن کے سسر کو گھر سے نہیں نکال سکتا, یہ ہماری پرمپرا کے خلاف ہے. اچھا تو اس کی جاسوسی تو کر سکتا ہے نا. جاسوسی یعنی 00 پرائز بانڈ؟ ماں جی میں آپ کا پتر ہوں, جاسوسی تو میں کر سکتا ہوں, مگر. مگر کیا؟ خالی جیب نا ماں جی, جاسوسی میں دل ہی نہیں لگتا. اچھا یہ لے رہا. یہ کیا؟ 2000. یہاں پہ رکھ لے ماں جی, اب مجھ سے جاسوسی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ ماں جی پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں, گورنمنٹ نے واپس بھی کر دی ہیں, پیٹرول پمپ والے نہیں مان رہے. جاسوسی کا پیٹرول سے کیا تعلق ہے؟ ان ڈائریکٹ تعلق ہے ماں جی ان کا آپس میں. ارے بھوت تیرا. ماں جی آپ اس سے پہلے بھی مجھے صرف 2000 روپے دیتی تھیں شگفتہ اور اظفر کی جاسوسی کرنے کا. ہاں ماں جی 2000 روپے میں تینوں لوگوں کی جاسوسی نہیں ہوگی. اچھا یہ بتا اظفر کہاں ہے اس وقت؟ پتا نہیں. گفتہ کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا. پیسے واپس کر, جب تو نے جاسوسی نہیں کرنی تو پیسے کہے کے. ماں جی 1000 تو دے دیں واپس. نہیں 500 ہی دے دیں. بالکل نہیں. چلے ماں جی نہ آپ کا نہ میرا, 100 روپے ہی دے دیں. ایک گھڑی پیسہ نہیں دوں گی تجھے جب تک تم مجھے رپورٹ نہیں دے گا, ایک چونی نہیں ملے گی تجھے. چل جا نکل یہاں سے, پہلے کام پھر پیسہ. ٹھیک ہے ماں جی, میں ہنے گیا تے ساری عمر جاسوسی نہ کیا.
अच्छा ये बताओ इस खोपड़ी में क्या है? भेजा नहीं दिमाग? अरे नहीं तो फिर क्या बाबू? प्लानिंग प्लानिंग फैमिली प्लानिंग। अच्छा तो आप नई मुमानी लाने की प्लानिंग कर रहे हैं? लाहौर वाला खोदे रबला आइंदा अगर ऐसी बेहुदा बात की ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ के चला जाऊंगा। सॉरी मामू हम भूल गए थे आप शादी से बहुत भागते हैं। तुम लोगों की कब्रों पर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं होगा समझे? मामू हम कान पकड़ते हैं सॉरी बोला ना हमने। मैं अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ बस। मामू गुस्सा थूक देना प्लीज ये देखें। ठीक है। अच्छा बताए ना दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है? भाई मैंने इस घर के एक एक किरदार का तफसीली जायजा लिया और क्या मामू? और इस नतीजे पे पहुँचा हूँ के क्या कि तुम दोनों की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। ये तो है मामू। यही वजह है मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। जो रुतबा मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जी मामू सबसे पहले मुझे तुम दोनों की इज्जत बहाल करनी है। लेकिन कैसे मामू? वो मैंने अभी सोचा नहीं है। ठीक है बात है मामू आप सोचिए ना। भाई वो खाली जेब ना मुझसे सोचा नहीं जाता। क्या अब जेब से सोचते हैं मामू? अब जेब में सिगरेट के पैसे भी होने चाहिए ना इंसान के पास। अब आखिर मैं भी इंसान हूँ। मगर मामू आप तो सिगरेट पीते ही नहीं। ओहो मैं सिगरेट पीने की नहीं पैसे की बात कर रहा हूँ पैसे की। मैं समझ गया। ये ले मामू। मामू ये सब मैं नहीं कर सकता। मामू ये जन मुरीद है जन मुरीद बीवी का गुलाम। बस इसी बात का डर था मुझे इसीलिए मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ था। अच्छा आपको डर था कि आप शादी के बाद जन मुरीद और बीवी के गुलाम बन जाएंगे इसलिए इन्होंने शादी नहीं की। बस ठीक है बेटा तेरी इज्जत बहाल नहीं हो सकती। अब देखिएगा कि ये शगुफ्ता क्या गुल खिलाती है। लेकिन मामू अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? मैं हूँ ना अब तुम दोनों लावारिस नहीं हो। मैं हूँ तुम दोनों के पीछे नवाब इब्नुल वक्त। बस तो चल शाबाश जैसा मामू कह रहे हैं वैसा वैसा कर। चलो उठ 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 उठ। उठो और मेरे लिए ग्लास पानी का लेकर आओ। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। तो देखो मैं तुम्हारा शौहर हूँ तुम्हारा फर्ज बनता है जब भी मैं बाहर से हूँ मुझे एक ठंडा ग्लास पानी का पेश करो। अच्छा हाँ तुम अभी तक मेरे लिए पानी लेने नहीं गए? नहीं। देखो मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ मेरे लिए पानी लेकर आओ। क्यों लेकर आओ? तुम क्या माजूर हो? मैं माजूर नहीं हूँ शौहर हूँ तुम्हारा। शाबाश असफर शाबाश लगे रहो। देखो तुम शराफत से पानी ला रही हो या मैं शौहरपन का मुजाहरा करूं? गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो शहर का रुख कर लेता है। तुमने मुझे गीदड़ कहा? हाँ कहा और 100 दफा कहूंगी गीदड़ हो तुम एक नंबर के गीदड़ हो। मामू लगता है उस पर सचमुच गीदड़ बन गए। मैं गीदड़ नहीं हूँ शेर हूँ। शाबाश मेरा शेर बस तुम लगाने की देर है। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर होती है। लगता है तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब और अब मैं तुम्हारा दिमाग ठीक करने जा रही हूँ। बकवास बंद करो अब तो मैंने सर उठा के जीना सीखा है। अच्छा हाँ अभी देखती हूँ शगुफ्ता बेगम एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि चोट तो अजफर के सिर पे लगी है और पट्टी तुमने बांधी हुई है। ये पट्टी नजर आ रही है आपको? अरे ये दुपट्टा है हमने अपने सर पे बांधा है। एक तो आपको दुपट्टे और पट्टी का फर्क भी नहीं मालूम। शगुफ्ता मैंने सुना है कि आज बेबी और अजफर के दरमियान पानीपत की आखिरी लड़ाई हुई है और वो भी एक गिलास पानी पे। अब ये भी सुन लीजिए कि वही जंग हमारे दरमियान भी बस होने ही को है। हमारे दरमियान क्यों होगी है? अच्छे मियां बीवी है ना दोनों। स्क्रिप्ट में जो लिखा है इसलिए। किसने लिखा ये स्क्रिप्ट? खैर जो भी जिसने लिखा था ना वो स्क्रिप्ट तो मैंने छुपा दिया है। कोई बात नहीं फिर भी हमें जबानी याद है सारा। नहीं शगुफ्ता नहीं हमारे दरमियान जंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? शगुफ्ता बेगम लड़ाई की कोई ना कोई तो वजह होती है ना। तो वजह तो हम फराहम कर देंगे आपको। शगुफ्ता मैंने आज नहीं लड़ना क्योंकि आज मेरा ना लड़ने का मूड ही नहीं है। वो भी हम बना देंगे। अच्छा चलो बात सुनो ये बातें तो होती रहेंगी ना फजूल किस्म की। माँ जी ना भूखी बैठी हुई है उनको कुछ पका दो। तो सदा की भूखी वो ना शुगर की मरीजा है बार बार भूख लगती है ना मरीज को। हम क्या नौकरानी आपकी? हमेशा ही नौकरानी समझते हैं हमें। तुम तो मेरी शगुफ्ता हो मेरी प्यारी शगुफ्ता बीवी हो तुम मेरी। कभी बीवी समझा हो तो माने ना। शगुफ्ता बीवी समझ में आने वाली शय नहीं होती। तो फिर क्या होती? वो शायर ने क्या खूब कहा शगुफ्ता कि तुम भी क्या शय हो
दिल में तो आते हो, समझ में नहीं आते। गर्मियाँ आ गई हैं बहुत। हाँ गर्मी तो आ गई। देखो शगुफ्ता, मैंने तुम्हारी हामे लाई है ना। आपने हमें लॉन दिलवानी है। लॉन? अरे लॉन क्या शगुफ्ता बेगम, ये सारा घर तुम्हारा है। अरे हम कपड़ों वाली लॉन की बात कर रहे हैं। अच्छा। सारे शौहर अपनी बेगमात को जेब खर्ची देते हैं, आपने दी कभी? शगुफ्ता बेगम, ये जो तुम्हारा शौहर है ना अशरफ भट्ट, ये ना दुनिया का आखिरी मजलूम भाई है। पहले माँ जी ना मुझे 2000 रुपए देती थी जसूसी करने के, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिए। ये हमारा मसला नहीं है, हम नहीं जानते, हमें लॉन चाहिए। शगुफ्ता बेगम, मैं तो टके टके का मोहताज हूँ। बात सुनिए, जब तक आप हमें 5 अदद लॉन के सूट न दिलाएंगे, हम इस घर का कोई काम न करेंगे। हाँ शगुफ्ता बेगम, 5 सूट? शगुफ्ता तुम ना खाम खाई रौला डाल रही हो। और भी सुनिए, आज से आप हमें 5000 जेब खर्च भी देंगे। 5000? अच्छा ठीक है, 5000 सालाना? जी नहीं, महाना। शगुफ्ता बेगम, मैं तो कोई नौकरी भी नहीं करता, फिर तुम्हारी फरमाइश मैं कैसे पूरी करूँगा? तो हमने मना किया नौकरी करने से आपको, और वैसे भी हम फरमाइश नहीं, अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। लवी शगुफ्ता, अब ना अशरफ भट्ट का ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा आना शुरू हुआ है, और ये जो है ना मीटर, ये भी शॉर्ट होने लगा, थोड़ी देर रह गई है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले कान खोल के आप भी सुन लीजिए, अब हम लावारिस नहीं रहे। हाँ नंजी, आपको खांसी कब से है? क्यों, आप डॉक्टर है? नहीं भाई, मैं हकीम हूँ। नीम हकीम खतरा है जान। अरे भाई, जान है तो जहान है, आप हैं तो खानदान है, और आपके इलाज के लिए कदरदान है। आप हिकमत के साथ साथ चारी भी करते हैं। अरे समदन, हिकमत तो समझे, हमारे खानदान पे खत्म हो गई। खत्म भी हो गई? जबान दिखाइए जबान। मैं ऐसे वैसे को जबान नहीं दिखाती। आप मुझे ऐसा वैसा समझती हैं? जी। कोई बात नहीं, इलाज तो मैं फिर भी करूंगा, ये मेरा फर्ज है। आप भी असफर की तरह ढीठ और बेगैरत है। आपके स्टेटस का आदमी हूँ, संधि हूँ संधि। तू हमारे स्टेटस का आदमी है? आप तो बेतकल्लुफ हो गई, तुमसे डायरेक्ट तू, मैं बेतकल्लुफ नहीं हूँगा। हाँ अब बताना, तेरा स्टेटस हमारे बराबर कैसे हो गया? देखिए समझन जी, आपकी लड़की हमारी बहू और हमारी लड़की आपकी बहू, स्टेटस बराबर हो गया ना। आपका लड़का नखटू हडहराम और गर्दामाद है। मस्करापन बंद करो और अपना रास्ता नापो, बच्चों के सुतरान में रहना बेगैरती होती है। हाँ भाई, मेरा हाथ छोड़। नहीं संजन जी, मैं आपका हाथ जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका मर चीख चीख कर ना ये कह दे कि मैं टीवी हूँ। हाथ छोड़ मेरा, छोड़। ये छोड़ चला। अरे संजन जी, हाथ मैंने आपका कोई हमेशा के लिए थोड़ी पकड़ा था, आप तो ऐसे शर्मा रही है जैसे कोई दूसरी शर्माती है, मैं तो सिर्फ मर्ज मालूम कर रहा था। शर्माती है मेरी जूती, मैं तो गुस्सा कर रही थी। वाह 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 समझन जी, आपके गुस्से में इतना प्यार है, तो प्यार में कितना प्यार होगा। जेठ नवाब, मैं पहली असफर की वजह से बहुत परेशान हूँ, और अब काली खांसी की वजह से परेशान होंगी, है ना? आपने ठंडा पानी पिया था? नहीं। नींबू पानी पिया था? नहीं। फिर तो आपको काली खांसी है। पता है क्या, काली खांसी बालिग होने के बाद टीबी बन जाती है, मैं इसका इलाज करूंगा। शुक्रिया। मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ कि 2 अदद काली मिर्च 1 चम्मच शहद के साथ सोने के बाद और जागने से पहले खानी है, इंशाल्लाह अफाका होगा। के लिए मुझे माफ कर, मुझे कोई काली खांसी नहीं है, मुझे फंदा लग गया था। अरे फंदा अभी कहाँ लगा है, फंदा तो अभी लगेगा समदन जी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं जरा वो कहाँ रह गया ये? आ गया मैम। आ जाओ। देखो अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से और गौर से सुनो। जी मामू। ये तुम दोनों की जो सास है ना दुर्दाना भट्ट जी, उनको टीबी है। क्या? हाँ, आपको कैसे पता उनको टीबी है? अरे मामू हकीम है भाई, हिकमत जानते हैं। तुम जब छोटे थे ना तो उल्टी सीधी चीजें खा के पेट खराब कर लिया करते थे, मामू चूरन देते थे, तुम फटाफट ठीक हो जाते थे। अरे फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं इलाज कर रहा हूँ उनका। फिर तो फिक्र की बात है ना मामू। ये तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, बेबी की पिटाई का असर है। बेगैरत कहीं का, नन्नी बेबी से पिट कर आ गया है, मामू का नाम बदनाम कर रहा है। बाबू बेबी मेरी बीवी का नाम है। क्या तूने 2-2 शादियां कर रखी हैं? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तेरी बीवी का नाम तो नौशीन था। अरे मामू बेबी नौशीन का ही प्यार का नाम है। हाँ फिर ठीक है। हाँ तो शगुफ्ता मैं क्या कह रहा था कि तुम अपनी सास के बर्तन जो है ना वो अलग कर दो। क्यों मामू? भाई टीबी के मरीज को ना अलग थलग रखा जाता है, ये बीमारी फैलती है दूसरों को भी लगती है। समझ गए मामू,
लेकिन देखने में तो माजी हट्टी कट्टी लगती है, खाती पीती भी ठीक है। अरे बेटा कुछ मर्ज जो है ना वो ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। अरे मामू ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने, ऐसी सूरत में तो हमें अशरफ से नाराज नहीं होना चाहिए। मैं भी जाके बेबी से सॉरी कहता हूँ और सारी बात सेट कर लेता हूँ। तुम दोनों गधे हो जी। अरे बड़ी भी की हालत है, सबसे पहले जो काम करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है मामू? जायदाद की तकसीम, वसीयतनामा तैयार करवाना है। अरे ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी। लेकिन मामू माजी वसीयत कैसे लिखेंगे, उन्हें तो लिखना ही नहीं आता। भाई मशवरा देना मेरा काम था, मैंने मशवरा दे दिया, अब कैसे लिखवाना है ये तुम दोनों का काम है, मुझे नहीं पता। मैं आ गया शिकायत, मैं आ गया शिकायत, मैं ना तुम्हारे लिए पूरे 950 रुपए का लॉन का सूट लाया। अरे इसकी क्या जरूरत थी अशरफ? ये लो 50 रुपए एडवांस जेब खर्ची। हम आपके लिए एक ग्लास ठंडा पानी लाते हैं। पानी लाने की जरूरत नहीं शगुफ्ता, बस तुम अपना गुस्सा ठंडा कर लो फिर मुझे सुकून होगा। आप बहुत अच्छे हैं अशरफ। हैं शगुफ्ता, पता क्या है, मैंने ना तुम्हारे लिए ना जिंदगी में पहली दफा कोई दूजी तीजी दफा मैंने ना माँ जी के ना पानदान में से 1000 रुपए का नोट निकाला था। अशरफ अब हमें लॉन नहीं चाहिए। शगुफ्ता बेगम मैं ना तुम्हें और लॉन ला दूंगा। अब अशरफ हम आपको एक बुरी खबर सुनाने वाले हैं। बुरी खबर है? शगुफ्ता मेरे तो हॉरोस्कोप में आज एक ही बुरी खबर लिखी थी, दूसरी कहाँ से आ गई? अशरफ आप वादा कीजिए कि ये खबर बहुत हौसले से सुनेंगे। वादा? आप माँ जी को भी नहीं बताएंगे? वादा। अशरफ माँ जी को टीबी है। क्या? माजी को टीबी है? माजी को टीबी है? अशरफ आपने वादा किया था कि खबर सुन के आप लेटेंगे नहीं। माजी को टीबी है? माजी ने हमें कभी बताया ही नहीं। अरे आप टेंशन ना लीजिए ना अशरफ, मामू इलाज कर तो रहे हैं माजी का। ये तो टीबी से भी ज्यादा बुरी खबर है। आप हमारे मामू को बहुत हल्का ले रहे हैं अशरफ। शगुफ्ता बेगम तुम्हारे ना इसी मामू की वजह से माजी को टीबी हुई है। मामू की वजह से माजी को टीबी हुई है? हाँ, माँ जी ना सारा सारा दिन मामू के बारे में सोचती थी और ये सोच सोच के उन्होंने टीबी करा ली अपने आप को। अशरफ जो होना था वो तो हो गया, अब ये सोचिए कि माँ जी की जायदाद का क्या करना है, उनकी वसीयत कैसे लिखवानी है, बेबी को ये खबर कैसे सुनानी। मैं समझ गया शगुफ्ता, तुम ना ज्यादा ही घबरा गई हो, तुम माँ जी से बहुत प्यार करती हो ना। हाँ। चलो ये खबर नौशीन को सुनाते हैं। सबसे पहले ना ये खबर मैं उसे सुनाऊंगा। पर नहीं ये तो सैड न्यूज है, तुम्हें सुनाना। आ जाओ। माजी को टीबी हो गई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अल्लाह जानता है, रोती भी बहुत बुरी लगती है बेबी। और अभी तो तुम्हें बताया मैंने। परेशान मत होना बेबी, माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनका इलाज चल रहा है। हाँ, मुश्किल है बेबी, मेरे कहने का मतलब ये कि इस उम्र में टीबी का इलाज कराना बहुत मुश्किल है। भाईजान आप इसको चुप करवा दे वरना मैं इसका सर फोड़ दूंगी। मेरी चाहे जान चली जाए मगर मैं मशवरा देने से बाज नहीं आऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई हो सकता है माजी को इलाज के लिए किसी अस्पताल में दाखिल करना पड़े। हॉस्पिटल? जी हाँ, माजी को किसी पुरफजा मकाम पे शायद किसी सैनिटोरियम में शिफ्ट करना पड़े। मैं अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करूंगा। अरे खुद से अलग करने की बात कौन कर रहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई वो दस्तखत करवा ले वसीयत पे। मैंने तो वसीयतनामा तैयार करवा लिया। बेबी डार्लिंग सीरियसली मैंने तुम्हारा और भाईजान दोनों का बराबर का हिस्सा रखवाया है। अशरफ, गुफ्ता, अस्पर, नौशीन। हाय माँ जी हमें लंच पर पुकार रही हैं। हो सकता है ये माँ जी का आखिरी लंच हो, लेकिन याद रहे कि माँ जी को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उनको टीबी है। चलो चलो लंच पे चलो, चलो चलो लंच। अरे भाई संगन जी, आपने सबको आवाजें दी पर हमें आवाज नहीं दी। हम भी तो इस घर के फर्द है भाई। हमारा नाम नवाब मुफ्ताउद्दीन होना चाहिए। ये सारे तो पकड़े जरा। क्या? अरे हमारे घर की रवायत है, हम सब लोग इकट्ठा मिलके खाना खाते हैं। मेरे खाने की जो रफ्तार है ना वो जरा स्लो है, मैं शुरू में लेता हूँ और आखिर तक खाता हूँ। तुम्हारी स्पीच स्लो नहीं, तुम्हारी खुराक ज्यादा है। आज से ना आप इस प्लेट में खाना खाएंगे।
क्यों? वहम की वजह से माँ जी। कैसा वहम? अरे भाई समधन, ये वहम नहीं, सब एहतियात कर रहे हैं। माँ जी मुल्क में ना हर तरफ टीबी फैल गई है, इसलिए तूने मास्क पहना हुआ है। हाँ माँ जी। तुझे टीबी हो गई है क्या? नहीं मुझे टीबी नहीं हुई, आपको हो गई है। आपको भी नहीं हुई? किसी को भी हम में से टीबी नहीं हुई है। मामू मैंने ठीक कहा है ना? आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा दामाद जी। वैसे मुझ में एक अच्छी बात है, मैं किसी के मामले में बोलता नहीं। पीर पीछे साजिश करते रहते हैं, मैं तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया कि मैंने आज बहुत जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। तो क्या माँ जी आपको पता चल गया कि आपका टीबी है? हाँ। तो फिर जब पता चल ही गया तो मास्क पहनने का फायदा? मैं मरने से पहले एक नेक काम करना चाहती हूँ। वेरी गुड माँ जी, बस ये दावा बिल्कुल तैयार है, बस आपने साइन कर लें। ठीक है, मेरे मरने के बाद तुम लोग सब लावारिस हो जाओगे, इसलिए मैंने सोचा है कि मामू को सरपरस्ते आला बना दूं और जायदाद में हिस्सा भी दूं। अरे इसमें बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो कानूनन इनका सरपरस्त हूँ। जी हाँ, अब तो आप इस घर के एक फर्द भी हैं। अरे मुझे मालूम था कि मैं एक ना एक दिन समधन का दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगा। वेल डन बाबू, वेल डन। मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर। माँ जी आपकी आखिरी ख्वाहिश हमारे सर आंखों पर। जी माँ जी। मान जी आप जल्दी से अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दें। अरे माँ जी नेक काम में देर कैसी। अरे समधन जी बहसियत सरपरस्ते आला, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कराऊंगा। देख ले समधी जी, फिर आपने पीछे नहीं हटना। अरे समधन जी मर्द की एक जबान होती है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ जी आप खाम खास सस्पेंस पैदा कर रही है, जल्दी से बताए ना अपनी आखिरी ख्वाहिश। भाई मैं नवाब साहब की शादी कराना चाहती हूँ। क्या? मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करेंगे तो जायदाद भी नहीं मिलेगी। मैं शादी हर किसी नहीं करूंगा, जायदाद जाए फाड़ में। मामू 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 जी माँ जी।